हाँ जी, हम लोग आज कर रहे हैं क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है? आपने एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाई, यानी कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें आपने एक मटेरियल रख दिया, एक मैग्नेटिक मटेरियल स्पेसिमेन ये रख लिया, इसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की इंटेंसिटी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही एक्चुअली क्यूरी लॉ है। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन ए स्पेसिमेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, करेक्ट। तो आई इज इक्वल टू कितना होगा? सी इंटू एच बाई टी, और ये सी कहलाता है क्या? क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, मैं जरा इधर से ले लूं, यहां आई बाई एच कर लूं इसे, सी बाई टी। तो आई बाई एच क्या था बताओ जरा? आई बाई एच क्या था? काई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी बाई टी, या फिर हम इसको ले लें तो क्या बन जाएगा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या रिजल्ट निकल कर आया? ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। यही एक्चुअली क्यूरी लॉ है, करेक्ट। कीजिए इसे, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पर आपने टेम्परेचर लिया है। एक काम करो, एक मिनट रुक जाओ, पहले एक और लिख लेते हैं, एक और हेडिंग, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर, हाँ जी, ये आपका एक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप जानते हैं किससे मिलकर के बना हुआ है? डोमेन से बना हुआ है। डोमेन का शेप और साइज फिक्स नहीं होता कुछ भी। एक ही मटेरियल के अंदर डोमेन्स अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, लेकिन इतनी बात जरूरी है क्या कि ये सारे डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिमेन कन्फाइंड विद इन द स्पेसिमेन, करेक्ट। अब ये मैंने डोमेन्स यहां बनाए, ये स्ट्रक्चर है एट रूम टेम्परेचर। किस पर? रूम टेम्परेचर पर। डोमेन आप कल अच्छी तरह समझ चुके हैं। डोमेन का मतलब क्या है कि इस एक रीजन में आने वाले सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। इस रीजन में आने वाले कहीं और डायरेक्शन में अलाइंड होंगे, लेकिन है सब के सब अलाइन, करेक्ट। अब आपने इसको हीट देनी शुरू कर दी, इस स्पेसिमेन को आपने हीट देनी शुरू कर दी। तो हीट से आप अच्छी तरह जानते हैं, किसी भी पार्टिकल की को हीट दे आप तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, 3/2 kT, याद कीजिए कल पहले हमने किया था। तो जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर देंगे, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, ये ज्यादा रैंडम होने लगेंगे। कौन रैंडम होने लगेंगे? ये डाइपो वो नहीं डोमेन्स नहीं डोमेन्स के अंदर उसके डाइपोल्स। अब इन डाइपोल्स का अलाइनमेंट बिगड़ना शुरू हो जाता है। क्या हुआ? जैसे जैसे आप हीट देंगे, इन डाइपोल्स की रैंडमनेस इंक्रीज होगी, और ये जो अलाइंड है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इनका ये अलाइनमेंट टूटना शुरू हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये डोमेन स्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंचकर सारे के सारे डोमेन्स खत्म हो जाते हैं। अब क्या रह जाते हैं? केवल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रह जाते हैं। हालांकि ये भी क्या बनाएंगे? ये भी क्लोज चेन की फॉर्म में ही अरेंज हो जाएंगे, लेकिन डोमेन स्ट्रक्चर खत्म हो गया। जब तक डोमेन स्ट्रक्चर है तब तक ये फेरोमैटिक है, और जब डोमेन स्ट्रक्चर खत्म हो गया तो क्या बन गया? पैरामैटिक बन गया। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जहां सारा डोमेन स्ट्रक्चर टूटकर आपका फेरोमैग्नेटिक मटीरियल एक पैरामैग्नेटिक मटीरियल बन जाए, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। समझ रहे भाई? क्यूरी टेम्परेचर। तो हेडिंग डाल दिया आप क्यूरी टेम्परेचर।
ये जो आपका मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये किस स्टेट में है? ये ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड है। मैग्नेटाइज का मतलब इसके जो डोमेन्स है, मोस्ट ऑफ द डोमेन्स आर अलाइंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में अलाइंड है सारे के सारे डोमेन। और जब आप इसे हीट करेंगे तो ये डोमेन स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा? और जब ये पैरामैग्नेटिक बन गया, डोमेन स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, तो ये अपने आप क्या होगा? अनमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ये मतलब क्या है? आपके पास एक मैग्नेट है, वो लोहे को चिपका रहा, अट्रैक्ट कर रहा, सब कुछ ठीक है। इसको आप गर्म करना शुरू कर दीजिए, जैसे जैसे इसको आप गर्म करेंगे, इसके अंदर जो अलाइंड हो गए थे एटॉमिक डाइपोल्स, वो सब अलाइनमेंट टूटना शुरू हो जाएगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर इसका मैग्नेटिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यही टेम्परेचर कहलाता है क्यूरी टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपना मैग्नेटिज्म पूरी तरह से खत्म कर डाले और वो फेरोमैग्नेटिक के बजाय अब बिहेव करने लगे पैरामैग्नेटिक की तरह, इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। लिखिए जल्दी से, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटीरियल इज हीटेड अप, इट्स एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, द स्पेसिमेन स्टार्ट्स लूजिंग इट्स मैग्नेटिज्म, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द मैग्नेटिज्म ऑफ स्पेसिमेन इज कंप्लीटली लॉस्ट एंड द फेरोमैग्नेटिक मटीरियल बिकम पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। एट क्यूरी टेम्परेचर द डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल इज कंप्लीटली लॉस्ट। ये तीनों मटीरियल के लिए टेम्परेचर के साथ उनकी ससेप्टिबिलिटी का वेरिएशन है। देखिए ध्यान से, डायामैग्नेटिक मटीरियल की ससेप्टिबिलिटी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर की। जब टेम्परेचर कम है तो भी, जब और ज्यादा टेम्परेचर है तो भी, ये आपका लाइन कैसी बन रही? पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस। तो ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक है। देखिए ध्यान से, पैरामैग्नेटिक के लिए लो टेम्परेचर पर ससेप्टिबिलिटी हाई है और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। फेरोमैग्नेटिक के लिए थोड़ा सा ग्राफ डिफरेंट है, ये रेड कलर की लाइन फेरोमैग्नेटिक के लिए है। क्या? लो टेम्परेचर पर ससेप्टिबिलिटी हाई है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि फेरोमैग्नेटिक मटीरियल किसकी तरह से काम करने लगता है? पैरा। और यही टेम्परेचर क्या कहलाता है? क्यूरी टेम्परेचर। इसके आगे फिर आप इंक्रीज करेंगे तो ससेप्टिबिलिटी बहुत तेजी के साथ डिक्रीज होती चली जाएगी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल के लिए। ग्राफ एग्जाम में बनाने के लिए आ चुका है, बना